हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा, यूपी स्केल्स गाज़ियाबाद। हमेशा की तरह आपके लिए आज भी मैं वेब्रिज के बारे में कुछ नॉलेज देने वाला हूँ आपको। यूपी स्केल्स के बारे में बहुत बताया होगा मैंने आपको, आज भी उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये हमारा एक वेब्रिज है जो कि 10 से 12 दिनों के दिन रात के प्रयास के बाद ये रेडी हुआ है। 52 फीट इसकी लंबाई है और 10 फीट इसकी चौड़ाई है। आप देख सकते हैं 10 फीट से लेकर 210 टन से लेकर 200 टन तक की कैपेसिटी है इसकी। दिन रात 24 घंटे आप कितनी भी बार इसको मेज़र कर सकते हैं। आयरन, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, एनीथिंग जो भी आपको यूज़ करना है इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। द मोस्ट एक्यूरेट, ईजीएस्ट एंड द मोस्ट एक्यूरेट ये सिस्टम है मेरा, जो कि आपको मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि यूपी स्केल्स आपको जो एक्यूरेसी देता है, इजी टू मेंटेन तो होता ही है, साथ में जो हम लोग आपको एक्यूरेसी देते हैं, जो हमारी कोरियन टेक्नोलॉजी है उसके बिहाफ पे हम लोग आपको कमिट करते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो आपको पैन इंडिया में नहीं मिल पाएगी। मेरी एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, हमारी जो एक्यूरेसी है यूपी स्केल्स की वो आपको पूरे भारत में नहीं मिल पाएगी। कितनी भी बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 20 साल, जी हाँ 20 साल की वारंटी है इसकी, इस स्ट्रक्चर की। ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाता। हमारी जो इंजीनियरिंग टीम है 40 साल का एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पहुँचे हैं हम लोग, कि बहुत ओपनली हम लोग ये ऑफ़र करते हैं कि ये स्ट्रक्चर, ये सब इसी की देन है, ये सब यहीं से बनती हैं चीज़ें, यहीं पर सब चीज़ें आके मेज़र होती हैं, देन फिर आगे बिल्डिंग मटेरियल के लिए आगे फॉरवर्ड होती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि 38 साल का ये एक्सपीरियंस तो है ही हमारा, साथ में जितने भी मॉडल्स होते हैं हमारे सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड मॉडल्स होते हैं हमारे। गवर्नमेंट अप्रूव्ड मॉडल्स होने के साथ में हम लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं इसके अंदर वो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। कंप्लीट जो ये आपको ऊपर से लोहे का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके नीचे और एक इसके रूम के अंदर जो जितना भी इक्विपमेंट्स है, जितनी भी मशीनरी है, जितने भी मैकेनिज्म है, सब कुछ एक एडवांस माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है जो हम लोग यूज़ करते हैं। कंप्लीट कोरियन टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब क्या है कि एक कॉम्बी होती है, कॉम्बी दिखाता हूँ मैं आपको, कॉम्बी मतलब इसके साथ में एक आईटी कार्ड भी होता है, एक जंक्शन बॉक्स भी होता है, प्रिंटर भी होता है, और इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्प्ले है हमारा, डिस्प्ले हमें बताता है, ऑन कर देना इसको, ऑन। ये डिस्प्ले है इसका जो कि समझाता है हमें कि कितना वेट आया, कितना नहीं आया। अभी हम लोगों ने अनबॉक्सिंग किया है, तो जस्ट वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस ऑल सिस्टम्स, और मैं आपको भी समझाऊंगा, दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे ये वर्क करता है। ये इसका डिगिंग है, रास्ता अंदर जाने के लिए। मैं भी ये भी दिखाऊंगा आपको कैसे सब चीज़ें अंदर जाती हैं, कैसे मैकेनिज्म है, कितने 12 दिनों के अथक प्रयास के बाद हम लोग यहाँ पहुँचते हैं कि एक कोई भी ट्रक, कोई भी TMC आके उसका वेट हो सके, कोई भी मटेरियल के साथ में कि क्या वेट है। तो ये इंजीनियरिंग है अपने आप में बहुत बड़ी, देख सकते हैं अभी ज़ीरो है, अभी तो कोई मूवमेंट नहीं है मेरे वेब्रिज के ऊपर, शायद कोई लेबर मूव कर रही होगी तो इसलिए बार बार 5 लिखा हुआ आ रहा है। ये पूरा डिस्प्ले सिस्टम होता है हमारा, आप देखिए जीरो का जैसे ही बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही जीरो बटन प्रेस किया तो जीरो आ गया, टाइम आ गया इसमें लिखा हुआ, डेट आ गया इसमें लिखा हुआ। तो इसके अंदर आप 20,000 से 30,000 रिकॉर्ड्स रख सकते हैं साल में, कितनी बार भी आप चेक कर सकते हैं कि फरवरी के किस दिन में क्या मैंने मेज़र किया था, उसका क्या वेट था, गाड़ी का क्या नंबर था, गाड़ी ड्राइवर का क्या नंबर था। उसके अलावा SMS फैसिलिटी, कैमरा फैसिलिटी ये तो होती ही है। SMS फैसिलिटी क्या होता है ये थोड़ा आपको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। SMS फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आप पैन इंडिया में कहीं भी हैं और एक एप्लीकेशन हम लोग आपके मोबाइल एंड्रॉयड या फिर एप्पल के अंदर, iOS के अंदर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि आपका वेब्रिज किस टाइम, किस सेकंड में कितना वेट दिया है। तो सिमिलरली वही सेम टाइम में एक टेक्स्ट मैसेज आपकी शूट होती है मेरे IT कॉम्बी बॉक्स से, जो एक IT बॉक्स है जो आपके पास में एक मैसेज पहुंचाता है कि इतना वेट है आपने जो भी मेज़र किया है अपने वेब्रिज के ऊपर। उसके साथ में कैमरे के थ्रू आप इसको वॉचिंग भी कर सकते हैं कंटिन्यूस, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर बैठे बैठे आप देख सकते हैं कि मेरी साइट पर अभी क्या तुल रहा है, कौन लेबर है, ड्राइवर है, नहीं है। तो ये सारी चीज़ भी इसके अंदर फंक्शंस हम लोग देते हैं साथ में आपको।
लोड सेल हम लोग जितना भी मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ये आउट ऑफ इंडिया है। अभी तक मैकेनिकल वे ब्रिज के ऊपर तो आपने बहुत देखा होगा काम होता था, बट अभी हम लोग जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी ये लेकर आए हैं, ये कम्प्लीटली आउट ऑफ इंडिया कोरियन टेक्नोलॉजी है, जो कि एक आपका एडवांस माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इससे बहुत बहुत कम मूवमेंट पे, बहुत कम हलचल पे वो रिएक्ट करता है, और बार 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 कंटिन्यूस उसको रिएक्ट करता है कि उसके अंदर आपका मतलब मेन ऑफ द थिंग इज़ ईजी एंड फास्ट द मोस्ट एक्यूरेट वेटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी तो है ही, क्योंकि मेरा जो 40 साल का एक्सपीरियंस है उसके साथ में अभी तक मेरे साथ जो इंडिया के द टॉप मोस्ट जो टॉप मोस्ट ब्रांड अभी जुड़े हुए हैं, आप मेरी साइट www.upscales.in पर जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये मेरा जो स्ट्रक्चर है 20 साल तक कहीं नहीं जाएगा। जी हाँ, ये मेरा स्ट्रक्चर 20 साल तक कहीं नहीं जाएगा, ये इसकी वारंटी होती है, और चैलेंज के साथ, ओपन चैलेंज के साथ हम लोग ऑफ़र करते हैं, यूपी स्केल आपको ऑफ़र करता है। जी हाँ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जितने भी मॉडल्स हैं हमारे, हम लोग जो भी मॉडल्स इंस्टॉल करते हैं वो सब हमारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके पूरे पैन इंडिया के लिए, और अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड के हिसाब को, हिसाब से कस्टमर की नीड समझते हुए हम लोग डिज़ाइन करते हैं इसको कि क्या होना चाहिए, कैसे सब चीज़ें ईजिली हो पाएँ विदाउट एनी हरासमेंट। और उसके अलावा डिज़ाइन एज पर कस्टमर नीड तो होता ही है। हम लोग जो इसमें मैकेनिज्म लोड सेल यूज़ करते हैं, लोड सेल हमारी हर्मेटिकली सील्ड होती हैं, ये कम्प्लीटली कोरियन टेक्नोलॉजी है, हर्मेटिकली सील्ड इज़ कॉल्ड, की ये चारों तरफ से पैक होता है, ये एक सील्ड होती है, एक कवर होता है जो जिसमें कहीं जॉइंट नहीं होता। उसके अलावा IP68 प्रोटेक्शन नाम का एक लेयर होता है पूरा, जो एक चिप के ऊपर, पूरा कंप्यूटर के ऊपर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसका यूज़ क्या है कि आपके ऊपर, आपके आपके उस मशीन के ऊपर जो 10 फीट नीचे रखी हुई है ज़मीन के नीचे, जिसके ऊपर छेद से पानी भी जाएगा, मिट्टी भी जाएगी, रस्त भी जाएगा, आयरन थोड़ा थोड़ा आयरन भी जाएगा, तो उसमें रस्टिंग ना हो, उसमें लिक्विड ना जा पाए, उसमें गैस ना जा पाए, तो ये IP68 प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं कितनी बार लगातार आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और जितनी बार भी आप यूज़ करेंगे उसमें आपको बेस्ट एक्यूरेसी ही मिलेगी। ये हमारी वारंटी है, ये हमारी 40 साल का एक 38 साल का ये हमारा एक्सपीरियंस है, जिसके बिहाफ पे मैं आपको ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली और बहुत कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अभी नीचे, मैं आपको नीचे समझाने की कोशिश करता हूँ कि 10-12 दिन तक मेरी टीम क्या प्रयास करती है, क्या अथक प्रयास मेहनत करती है, जिसके बाद हमें ये कंप्लीट वेब्रिज मिलता है। और आइए मेरे साथ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच।